हमारा टाइप ऑफ ये इंटरव्यू देने वाला है मेरा। पहले तो आप दोनों दूर हो जाओ। मम्मा अगला क्वेश्चन है आपके लिए, शादी से पहले आपके गर्लफ्रेंड या फिर बॉयफ्रेंड थे कि नहीं, दोनों के लिए एक्चुअली। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल जी एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। गाइस, आज के व्लॉग में आरवी कौर आपका तहे दिल से वेलकम करती है। हैव ए नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। गाइस, आज है 24 फरवरी और आज क्यों है आपकी छुट्टी बेटे, समर की हॉलीडे गाइस? क्योंकि आज रवि गुरु रविदास जयंती कुछ है करके गाइस, है ना। सुबह के 11 बज रहे हैं, नाश्ता हमारा सबका हो गया हुआ है और फिलहाल मैं कुछ खास नहीं कर रही थी, बस व्लॉग ही एडिट कर रही थी और पोस्ट कर रही थी फेसबुक पे और यूट्यूब पे। मैं रात को करती हूँ गाइस। और जिसने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, ये मैं नीचे ऐड कर रही हूँ अपना यूट्यूब पेज, है ना, का फोटो आप यहाँ पे देख करके जाके सीधा इस नाम से खोलिए और सब्सक्राइब कर दीजिए गाइस, है ना। थैंक यू सो मच। और आज समर कुछ प्लान कर रहा है हम लोगों के लिए, कह रहा मम्मा पापा आप लोगों को मैं क्वेश्चन करूँगा कुछ एक, तो आपको आंसर देने हैं उनके। तो मुझे नहीं पता इसने क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चंस की लिस्ट बना रहा है इतनी बड़ी सारी कुछ, है ना। तो अभी हमारा टाइप ऑफ ये इंटरव्यू देने वाला है मेरा और दुग्गल जी का, तो बोल रहा जाओ तैयार हो क्या हो अच्छे से। अच्छे से तो क्या, मैं तो जैसे होती हूँ रोज़ वैसे तैयार हुई हूँ, है ना। तो देखते हैं क्या क्वेश्चन करता है क्या नहीं, इंटरेस्टिंग होने वाला है कुछ तो, है समर बेटे कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है बता। जोर से बोल ले, मेरे व्यूअर्स को नहीं सुन रहा, शर्मीला लड़का है मेरा बहुत, कैमरा कॉन्शियस, एक मेरे घर पे भी एक कैमरा कर, मम्मा मीकू मत लिया करो व्लॉग में। चलो ठीक है, क्या पूछते हैं क्या रहता है देख लेना, ना भूले बने रहे आगे के व्लॉग में गाइस। नेक्स्ट आपको इंटरव्यू में मिलेंगे समर के साथ में। तो जी समर जी ने हमको यहाँ पे छत पे ला के बिठा दिया हुआ है कि बैठो जी छत पे शूट करेंगे, है ना, वादियों के साथ में। हमारा अंडरस्टैंडिंग टेस्ट ले रहा है कि आप दोनों कितना समझते हो, कितना आप लोग को पता है एक दूसरे की चॉइस के बारे में, है ना। तो मैंने देखी ये सारे लोगों के भी इंटरव्यू लेते हैं ऐसे, तो आजकल के बच्चे, चलो उन्होंने के दिमाग में आइडिया आया, तो देखते हैं क्या कुछ लिख के रखा हुआ है इसने, पता नहीं मुझे, पता दिखा भी नहीं रहा है, पेज लेके घूम रहा है ना अलग से, दिखा भी नहीं रहा है कि पढ़वा दे कि क्या है क्या नहीं। हाँ जी सरदार जी, हाँ जी, की कहते तुसी, क्वेश्चंस का जवाब देंगे अभी। आज आप लालू लालू बने हो, क्या बात है, लाली बन रहा हूँ लाली। और चुन चुन हमारी बॉडी गार्ड है, देखिए चुन चुन, साथ रहेगी। हम बिल्कुल शोर की बगैर ऊपर आए हैं, बट इसको पता लग जाता है कि हम लोग छत पे हैं, अपने आप ही आ जाएगी छत पे। समर आ रहा है अपना कुछ लेके, कॉपियां लेकर आ रहा है हमारे लिए, हम लिख लिख के आंसर देंगे। देखते हैं, मेरे को बड़ी एक्साइटमेंट हो रही है अंदर से। पहले तो आप दोनों दूर हो जाओ, पापा यहाँ हो जाओ, लेफ्ट साइड, मतलब राइट साइड, जरा मम्मा लेफ्ट साइड हो जाओ आप, ऐसे कर रहे हैं लेग नहीं, ये कोई ना हो तो जो यार, जब मैं बोल रहा हूँ आपको, मैं तो वैसे नहीं चीटिंग करती हूँ, मैं चीटिंग करता हूँ, ये चलो ये आपकी लिस्ट है, अब आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो आपने बताने हैं एक दूसरे के बारे में, ठीक है? यस। तो आप रेडी हो? यस आई एम रेडी। आपका टाइम होता है, आप है ना। पहला क्वेश्चन है मम्मा आपके लिए, दोनों से सेम, हाँ, मतलब दोनों से सेम पूछूंगा। पापा आप मम्मा का फेवरेट फूड बताओ, मम्मा का हाँ, लिख के बताना है, वहाँ लिख दो फेवरेट फूड। आप भी लिखो पापा का, वेज भी नॉन वेज भी कुछ भी हो सकता है। अच्छा, कुछ भी हो सकता है, अलग अलग नहीं बताने, वैसे रोटी के साथ खाते हैं। ये तो ऑब्वियसली सबको पता है, सब व्यूअर्स को हमारे से पहले आंसर पता होगा, उन्होंने लिखा है। चलो आंसर बताओ, मम्मा आप बताओ अपना पहले, पापा का, ठीक है आप बताओ पापा अपना, चलो ठीक है, वे लिखने की जरूरत नहीं, बोल ही देते हैं ना। बोल दो सीधा, बोलो पापा ने क्या लिखा हुआ, मेरा क्या फेवरेट फूड, पहले आप बताओ पापा का, ये बता दो दिया। अच्छा हाँ बताओ, आपका क्या है फेवरेट फूड, बोल के बताऊं, मटन, मम्मा का, आपका आपका, अच्छा, मेरा राजमा राजमा, चलो मम्मा का पॉइंट, और आप बताओ अपना, मटन। ओ भाई बहुत तेज है दोनों, एक एक दोनों को एक एक पॉइंट मिल गया है ना, एक एक नंबर डालो भी आगे, नहीं वो अपने वो कुछ नहीं। चलो सेकंड क्वेश्चन, आप दोनों एक दूसरे को कौन से नाम से बुलाते हो,
पापा स्लो है लिखने में। दिखाओ अपना उत्तर दिखाए। नो 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 पापा तो मम्मा क्या बोलती है आपको? मेरे को नोनी पोनी। अरे ढंग से बताओ। नोनी पोनी। वो तो मैं प्यार से बोलती हूँ, बुलाती किस नाम से हूँ आपको? नहीं बस वो प्यार ही हो गया वो सारा कुछ। नोनी पोनी को ना हमेशा बोलती हूँ मैं। और अब पापा कौन से क्या है? कुत्ता है। कुत्तो क्या? कुत्तो दिखाओ दिखाओ। कुत्तो कुत्तो। पापा मुझे बुलाते हैं हेलो के नाम से, है ना? और मैं भी पापा को बुलाती हूँ हेलो के नाम से। दोनों हेलो के नाम से बुलाते हैं। वो तो अलग चीज है, पर तो जब प्यार से, जब आप प्यार से बोलते हैं, जब थोड़ा सा और ज्यादा प्यार से बोलते हैं। नहीं, जब आप बुलाते जिस नाम से वही बोलना है, प्यार प्योर वाली बात नहीं है। चलो थर्ड क्वेश्चन है, आप दोनों एक साथ कहाँ जाना पसंद करेंगे? घूमने। ये मेरी चिट्ठी, मेरा लव लेटर उड़ गया था। करते रहना आंसर्स पे। पापा को यहाँ जाना, पापा को यहाँ जाना पसंद है। पापा का मतलब वन ऑफ फेवरेट प्लेस। मैंने इसके बारे में बताना ना, अरविंद के बारे में लिखना है कि कहाँ जाना पसंद करेंगे। थर्ड। चलो मम्मा आप बताओ अपना, कहाँ जाना पसंद करेंगे आप? मैं कहाँ जाना पसंद करूँगी? वही जो मैंने आंसर लिखा हुआ है, केरला। और पापा आप कहाँ जाना पसंद करेंगे? आप इसके साथ, मम्मी के साथ? हाँ गोवा। नहीं और आप कहाँ जाना पसंद करेंगे खुद से घूमने अकेले? अगर अकेले तो केरला। अगर इसके साथ जाऊंगा तो गोवा। तो क्यों केरला नहीं जा सकते हम दोनों? जा सकते हैं बट केरला जाऊंगा। कितना मिसमैच हो रहा यार, कितना मिसमैच हो रहा। चलो वापस। फोर्थ क्वेश्चन है, जब आपकी शादी हुई थी, ठीक है सुन रहे हैं, तो आपको लड़का चाहिए था कि लड़की? ओह शिट, ओह शिट। पापा को क्या चाहिए था देख? ठीक है ठीक है, बताओ क्या चाहिए था मम्मा आपको? मुझे बेटा। चलो और आपको? बेबी इसके बारे में बताऊंगा ना तो। अपने बारे में बता। तुम बोल रही हो मुझे? बोल दिया वो क्वेश्चन, बता दिया मुझे बेटा चाहिए था, वो देख लिया क्वेश्चन। आपको क्या चाहिए था एक्चुअली? बॉय। ओए इनको बेबी बॉय बेटी चाहिए थी इनको, कितनी जल्दी बुलेट। नो नहीं, हम एक दूसरे के बारे में बता रहे हैं या अपने बारे में बता रहे हैं ये बताओ ना इनको यार। एक दूसरे के। हां तो मैंने इसको बेबी बॉय चाहिए था। हां तो दिया बेटा। हाँ तो फिर तेरे बारे में तो लिखा मैंने, तुम्हारे बारे में तो लिखा। आपको क्या चाहिए था? वही तो बेबी गर्ल चाहिए थी मेरे को। हाँ तो पापा कंफ्यूज हो रहे हैं ना तगड़े वाले। अगला क्वेश्चन है, मम्मा पापा की ड्रीम कार कौन सी थी? और पापा आप बताओ मम्मा की ड्रीम कौन, मतलब कार कौन सी थी? ड्रीम कार है पापा, दो लिख सकते हैं, दो चॉइसेस। नहीं एक। नहीं नहीं दो लिख सकते हैं, ओनली वन। दो दो कैसे, एक ही होएगा क्वेश्चन तो। आप भी दो लिख लो। नहीं 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 एक। मम्मी को कौन सी चाहिए? हाँ मम्मी का तो फर्स्ट की बात क्योंकि ऐसी हमारी कन्वर्सेशन कभी हुई नहीं। थोड़ा पास को बैठ जाते, वैसे भी हम देख नहीं रहे हैं, वैसे मैं दूर दूर लगेंगे। यार वो देख तो रहे हैं। पापा ने देख तो नहीं लिया? नहीं नहीं मैंने कुछ मुंडी तो नहीं घुमाई थी इधर। पापा की ड्रीम कार दो लिखे हैं मैंने। चलो समझ गए। अरे कहाँ पापा की, इन्होंने मैंने तो एक ही लिखी है। चलो कोई नहीं, पापा के तारे दिखाओ। अच्छा मामा पहले आप बताओ अपनी ड्रीम कार। मेरी ड्रीम कार होंडा सिटी। और आप बताओ अपनी? अपनी हाँ फॉर्च्यूनर। और मामा आपको इसका हाफ पॉइंट ही मिलेगा। क्यों? आपने दो लिखी है तो, पापा ने एक लिखी है होंडा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये पॉइंट किसको मिला वैसे? मुझे मिला पापा को। दोनों को एक? नहीं नहीं दोनों को एक। नहीं चलो कोई नहीं, आपको हाफ मिलेगा। अब तक कौन आगे चल रहा? उन्होंने पॉइंट्स का तो गेम ही नहीं है, तो आपस का मिस मैचिंग का पॉइंट। पर लास्ट में वो होएगा, आपको मार्क्स दिए जाएंगे। चलो ठीक है नेक्स्ट। आपको कितने बच्चे चाहिए थे? पापा को कितने चाहिए थे? और पापा बताओ मम्मा को कितने चाहिए थे? क्या
अच्छा ठीक है। कितने चाहिए थे आपको मम्मा? दो। और आपको? दो। हम दो, हमारे तब दो क्यों नहीं हुए? हम दो, हमारा एक वो एक बड़ा ही एक लाख के बराबर है अपना सिख पंजाबी पत्ता है नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। सही है, दोनों को मार्क्स दिए जाएंगे एक-एक। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आपका फेवरेट एक्टर बॉलीवुड में, हॉलीवुड में। एक्ट्रेस बतानी पड़ेगी ना, एक्ट्रेस ना, एक्ट्रेस या फिर एक्टर कोई सा भी। पापा की फेवरेट एक्ट्रेस है ना, और आप फेवरेट एक्टर ऑपोजिट बताएंगे ना। चलो लिखो गाइस, मम्मा का बताना ना। मैंने तो मम्मा का। गाइस मेरी हैंडराइटिंग थोड़ी सी नहीं एक्चुअली डॉक्टर वाली ही है, संभाल लेना पढ़ लेना। ये क्या है? पापा की फेवरेट एक्ट्रेस ये है। चलो ठीक है, आप दिखाओ। चलो ठीक है, आप बताओ मम्मा अपना फेवरेट एक्टर और एक्ट्रेस। फेवरेट एक्टर मेरा है अभी। मेरा बताओ, मेरा मेरे को अपना बताओ ना आप पहले। मेरा जो अभी जो रिसेंट चला हुआ है रणवीर सिंह, बस। आपका? हाँ। और आप बताओ क्या? अपना अपनी फेवरेट एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण। मुझे वाला चेंज हो गई, वो पुरानी थी आपकी नई। क्या लिखा आपने? मेरा पापा मेरा क्या लिखा हुआ है? इसका नहीं लिखा। और आप क्या चाहते थे? आपका मतलब ड्रीम हाउस कहाँ पर हो, कौन सी जगह पर हो? ड्रीम हाउस चाहते है, इंडिया का नहीं बताना है? इंडिया में नहीं, कहीं पे भी यार। चलो तो कोई नहीं, पहले तो इंडिया का ही बताना पड़ेगा, बहुत बड़ी बात नहीं करेंगे। ब्लॉग में ही बोलते रहते हूँ। चलो नॉर्मल सा उत्तर। एक और भी पापा का है ये, दिखाओ पापा अपना उत्तर। पापा का ही लिखा हुआ मैंने, पापा का। रुक जो। चलो आप बताओ अपनी ड्रीम प्लेस, मतलब ड्रीम हाउस कहाँ होना चाहिए? मेरा मुंबई और चंडीगढ़। और आपका? वही है, चंडीगढ़ और मुंबई। दोनों ठीक है, पर मम्मा मतलब पापा ज्यादा एक्यूरेट है। मैंने मुंबई भी लिखा था, फिर मैंने काट दिया, तो उन्होंने बोला दो नहीं लिख सकते। मैंने पापा को मुंबई, पापा ने लिखा मुंबई और चंडीगढ़। तो देख मैं मुंबई लिख रही थी, फिर मैंने काट दिया, तो उन्होंने बोला दो आंसर नहीं लिखने। चलो कोई ना, दोनों का पॉइंट मिलेगा। मम्मा अगला क्वेश्चन है आपके लिए, शादी से पहले आपके गर्लफ्रेंड या फिर बॉयफ्रेंड थे कि नहीं, दोनों के लिए एक्चुअली। मम्मा थे कि नहीं? मेरा पापा थी कि नहीं? क्या थी कि नहीं? थी गर्लफ्रेंड थी। देखा, और मेरी? दोनों को पॉइंट नहीं थी। देखा, दोनों को पॉइंट। बॉयफ्रेंड बनाने का टाइम ही लगा, शादी होगी। और हम इसमें बिलीव भी नहीं रखते गाइस। चलो अब जब आप दोनों की लड़ाई होती है तो पहले मनाने कौन आता है आप दोनों में से? चलो बस 10th। चलो मम्मा कौन आता है? पापा बताओ कौन आता है? मी ऑलवेज। दोनों को पॉइंट। इतना स्टाइल मार के बोल रहे ना नहीं। लास्ट क्वेश्चन है अब ये, ठीक है? लास्ट बट नॉट द लीस्ट। चल लास्ट क्वेश्चन है ये 11th। हाँ जी, आप दोनों में से गुस्से वाला ज्यादा कौन है? नहीं आप भी बहुत चिड़चिड़ है मम्मा। चुप हो जा पागल से। मिर्ची से आप, मिर्ची से भुगते रहेंगे। आप कम नहीं है? हाँ कम नहीं हूँ मैं, पर सामने सवा शेर है, शेर सवा शेर। एमी के आगे क्या है? लूज टेंपर। अच्छा देख ये नहीं लिखा मी आगे, लूज टेंपर जान के थोड़ा सा उसको बना के लिख रहे हैं कि लोगों को बुरा ना लगे कि मेरे को गुस्सा ज्यादा आता है। ऑब्वियसली गुस्सा इनको ज्यादा आता है। आप भी कम नहीं है जी? हाँ चल ठीक है, अपने पापा की सपोर्ट मत। चलो दोनों को पॉइंट मिलता है। अब आपका रिजल्ट बनाया जाएगा। लास्ट क्वेश्चन में तो था एक और लास्ट एक और नहीं था मम्मा, और नहीं है, इतना ही है।
अच्छा तो रिजल्ट कौन किसका? अच्छा एक मिनट एक मिनट, अच्छा सारा कुछ हो गया घर में, हम मैं है, मैं हूँ, ये है मम्मी तेरी, तू है, तीन मेंबर है और एक आंटी है, एक छुनछुन है हमारी, ठीक है। उसमें साइलेंट मोड पे सबसे ज्यादा पहले कौन जाता है? फ्लाइट मोड पे। फ्लाइट मोड पे बताओ नो, अब तू बताएगा। चुज्जी। चुज्जी क्यों जाती है? ये जो क्वेश्चन किया गया था कि साइलेंट मोड या फ्लाइट मोड पे कौन जाता है सबसे पहले, ये जो जो है क्वेश्चन को स्थगित किया जाता है क्योंकि इससे बवाल हो सकता है। तो गाइस आप बताएं हम दोनों में से कौन एक दूसरे को ज्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड करता है? वैसे तो दोनों ही हैं, क्वेश्चन मुझे कम लगे और होने चाहिए थे क्वेश्चन। अगर एक और बार खेलेंगे ये गेम, उसमें अलग क्वेश्चन रखेंगे, आगे कभी खेलेंगे। दोनों मेरे से पूछना। हाँ इससे पूछेंगे। तो जी गाइस हमारे रिजल्ट की अनाउंसमेंट हो रही है। जी बताया जैसा मजीत सिंह जी, माता माता श्री के हैं 8.5 और पिता श्री के हैं कितने? 7। छोके नहीं हरा दिया आपने, खुद हरा दिया। अच्छा पेन लो, मेरे पास एक ही पेन। चलो आज का गेम यहीं पे समाप्त करते हैं हम, अब आगे की कार्रवाई की जाएगी। आगे की कार्रवाई कुछ नहीं है, कड़ी चावल बने पड़े हैं लंच में, है ना। टाइम आई थिंक अब 12:30 एक बज गए होंगे, और बस थोड़ी देर धूप सेकेंगे छत पे, फिर अपना सोना खाना पीना क्लास एंड ऑल। गाइस गेम हमने खेली जिसमें कि मुझे मज़ा आया, है ना, और ऐसा लग रहा है और क्वेश्चंस होने चाहिए थे। बाकी आप कुछ बोलना चाहेंगे व्लॉग में डालिंग? बस क्या बोलना, आपने बोल दिया सारा। शोनीपुत्री तो मैं आपको बोलती हूँ, बट जब मैं नाम इन जब इनको वाजे मारती हूँ ना, मैं कभी कभी बोलती हूँ मैं ओ दुगल ऐसे बोलती हूँ, कभी कभी हेलो कोई हेलो कोई हेलो मैक्सिमम बोलती हूँ मैं। हेलो तो सभी बोलते हैं, सब लोग तो बोलते हैं, पति का नाम नहीं लेते, पर मैं तो सरनेम लेती हूँ, नाम नहीं लेती। ओए होए छुन छुन। एंड गाइस अभी हम वहाँ पे थे ऊपर वाली छत पे, और अभी हम यहाँ पे नीचे वाली छत के बाजू वाली छत के ऊपर, और नीचे का व्यूज़ आपको बोल रहे हैं दुग्गल जी की, दिखाओ सबको कि हमारे यहाँ पे कितनी बड़ी बड़ी खाइयाँ हैं। गाइस ये देखिए, जंप मारेंगे सीधा भगवान के पास का टिकट कटेगा। और ये सामने है जमटा, ये है कॉलेज, दिखा चुकी हूँ वैसे तो बहुत बार मैं, बट दिस इज़ आवर लोकेशन। घर तो हमारा जन्नत में ही है ऐसा ना, यह तो है। और देखो घर लोग फ्लैट कहाँ कहाँ बनाए जा रहे हैं, जंगल काट काट के जगह ही नहीं छोड़ी बेचारी जंगलों के लिए। जभी तो ये लैपर लूपर जभी तो शहरों में घुस घुस के आ रहे हैं, है ना। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक गाइस। चाय वाय पी के हटे हैं गाइस, शाम का टाइम है ना, 6:30 हो रहे हैं, और क्लास में गई नहीं आज क्योंकि तबीयत मेरी ख़राब हो गई थी, पेट मेरा सडन इतने ज़ोर से दुखना शुरू हो गया था, है ना। दवाइयाँ वगैरह खा के लेटी हुई हूँ, हिम्मत थी नहीं कि मैं क्लास जाके क्लास ले पाऊँगी, तो मैंने ऑफ ही कर दी क्लास। और संस्कृति को भी नहीं बोल पाई क्योंकि संस्कृति वैसे भी बाहर ही गई हुई है, आउट ऑफ नहाना है, तो वो वैसे नहीं आ सकती थी, तो क्लास ऑफ रखनी पड़ी गाइस आज, है ना। और फिलहाल मैं कुछ नहीं, बैठी हुई हूँ दवाई ववाई खा के, पेट मेरा दुख रहा है वापस से यार। और कल संडे है तो लेट्स सी, देखते हैं आगे क्या होगा क्या नहीं। वॉमटिंग 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 ऐसा दिल हो रहा है मेरा। अच्छा खासा था सुबह तक में, दोपहर तक में भी अच्छा था, 12-1 बजे तक में ठीक था, 1-2 बजे तक में। खाना खाते खाते इतना तेज़ दर्द हो रखा है, जब से लेके पेन अप डाउन जा रही है, अप जा रही है, डाउन अप ऐसे हो रहा है। काफ़ी देर तक तो बहुत भयंकर होती रही, मुझे चेकअप करवाना पड़ेगा, टाइम सा नहीं लग पा रहा मेरे को, तो करवाती हूँ ऐसा ना। और कुछ नहीं बस, बाकी बने रहे आगे के ब्लॉग में। एंड खाना खाने का दिल बिल्कुल भी नहीं था गाइस, तो मुश्किल से एक चपाती खाई मैंने क्योंकि दवाई खानी थी। और आज के ब्लॉग को भी एंड करती हूँ यहीं पे। टिल देन लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल एंड कीप वॉचिंग आवर ब्लॉग। बाय, गुड नाइट, टेक केयर।